बिग बॉस 15 की कम हो रही टीआरपी के बीच कंटेस्टेंट्स ने उर्फी को भी याद किया है। बिग बॉस 15 में उर्फी जावेद की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की खबरें सामने आ रही हैं। बिग बॉस 15 का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता नजर आ रहा है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में देसी तड़का लगाती नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए मलाइका ने एक बेहद खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, सम देसी तड़का दिस एम। हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को 13 साल बाद अपने पिता जेम्स स्पीयर्स के कंजर्वेटिव शिप से मिली आजादी। लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट के जज ब्रेंडा पेनी ने पॉप स्टार के कंजर्वेटिव शिप को खत्म करने का सुनाया फैसला। उन्नाव सीमा में मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा पहुंचने पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। 107 साल बाद कनाडा से भारत लाई गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। उन्नाव से यात्रा अपने अगले पड़ाव पर बढ़कर लखनऊ और बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएगी। पीलीभीत में खाद की किल्लत से परेशान किसान सेवा केंद्र पर लग रही किसानों की लाइन। खाद को भटक रहे किसानों ने डीएम से की खाद की मांग। मौके पर पहुंचकर डीएम ने एआर कोऑपरेटिव को खाद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। बाराबंकी में खाद की किल्लत को लेकर किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन। जिले में घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद न मिलने से निराश किसानों में बड़ा आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने फतेहपुर तहसील कस्बे के निकट पटेल चौराहे पर किया धरना प्रदर्शन। पीलीभीत में 15 नवंबर से शुरू होने जा रहे पर्यटन सत्र को लेकर इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों और पर्यटकों के लिए खास व्यवस्था। शहर के चारों और मुख्य चौराहों सहित मिनी गोवा बीच कहे जाने वाले चुंका स्पॉट पर थारू हट सहित वन्य जीवों की लगी प्रदर्शनी। जगह जगह बनाए गए वन्य जीवों के स्टैचू के साथ सेल्फी पॉइंट। अक्षय नवमी पर लवकुश की जन्मभूमि पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रावस्ती में अक्षय नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने परिवार की सुख शांति के लिए आंवले के वृक्ष और डालियों की लगाई परिक्रमा। लवकुश की जन्मभूमि सीता द्वार मंदिर पर लगा मेला। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप 2021 का फाइनल मुकाबला आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में 8 तो न्यूजीलैंड ने 5 मुकाबले जीते हैं। T20 टूर्नामेंट जो भी जीतेगा वो पहली बार ताज पहनेगा। 2007 के सीजन से अब तक कभी भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में फाइनल तक का सफर तय किया था लेकिन विजेता नहीं बन पाई थी।